अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑन माय चैनल। मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इस वीडियो की, मतलब ऑनेस्टली मेरे DMs फिल थे इस रिक्वेस्ट से। मुझे YouTube पे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे इंस्टा पे पोस्ट पे कमेंट्स आ रहे थे कि बस ये वीडियो चाहिए। सो फाइनली इट इज़ हेयर एंड इट्स गोइंग टू बी द कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट सईद गनी प्रोडक्ट्स। और ज़ाहिर है इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बस मैं ऐसे जजमेंट तो पास नहीं कर सकती थी, मुझे ट्राई करना था, तो इन सबको ट्राई करने में टाइम लग गया ज़ाहिर है। और इसके अलावा हाँ, आपको बता दूँ ये बिल्कुल भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं है, कोई PR नहीं भेजा इन्होंने मुझे, सारा मैंने खुद अपने पैसों से बाय किया है। इनफैक्ट मैं स्टोरीज में दिखाती रहती हूँ, आप लोग आइडिया होगा। अच्छा जी, सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट करती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपने वीडियो एंड तक देखनी है विदाउट स्किपिंग इट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा जी, चलो मैं रिव्यू स्टार्ट करती हूँ राइट साइड से। एंड हेयर वी गो विद वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट्स, जो कि है ये सईद गनी का रोज़ वाटर। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरी शायद 4th या 5th बॉटल होगी, क्योंकि मार्केट में जाओ तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल चीप ऑप्शन रोज़ वाटर में आपको यही मिलता है। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंट भी नहीं है, मतलब किसी किसी में इतनी तेज़ खुशबू होती है ना, जैसे रोज़ जेल की, मतलब ऐसा लगता है कोई इतर है उसमें रोज़ का, तो एटलीस्ट ये वैसा नहीं है। काफ़ी अच्छा है, स्किन को सूद करता है, तभी मैं इतनी बार खरीद चुकी हूँ उसको। अच्छा, मैं सब प्रोडक्ट्स के रिव्यू के साथ ना उसको रेटिंग देती रहूँगी 10 ताकि आपको एक अच्छा एस्टिमेट आ जाए कि प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा, सो इसको मैं रेटिंग दूंगी 10 out of 10 डेफिनेटली। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, स्किन को सूद करता है, मैं इसको एज अ टोनर भी यूज़ करती हूँ और काफ़ी बार पहले वीडियोज़ में दिखाया है मैंने। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि इसी के पीछे है और ये मेरा सबसे पुराना प्रोडक्ट है, इसकी आप शक्ल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ जी, सो ये है सईद गनी का चारकोल फोमिंग क्लेंजर और मैं अपनी पुरानी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। अगेन ये काफ़ी पुराना है और ये ख़त्म भी हो चुका है, बस मैंने बॉटल रखी हुई है क्योंकि अक्सर वीडियोज़ में दिखाना पड़ता है तो मैं बॉटल्स वगैरह सेव करके रखती हूँ। और मेरी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, सो मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है, आई थिंक ड्राई स्किन को भी सूट करेगा। मेरी तरफ से इसकी रेटिंग अगेन 10 out of 10 है, क्योंकि मुझे बहुत अमेजिंग लगते हैं फोमिंग फेस वॉश या जो फोमिंग क्लेंजर्स होते हैं। अच्छा, इसमें ये वाला अक्सर आउट ऑफ स्टॉक रहता है, बट आई थिंक इसका राइस वाला वेरिएंट या एलोवेरा वाला स्टॉक में आ गया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वो भी मोस्टली सेम काम करता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सो काफ़ी अच्छा फेस वॉश फेस क्लेंजर रहेगा ये आपके लिए। अच्छा जी, इसके बाद मूव ऑन करते हैं 3rd प्रोडक्ट पर, विच इज़ दिस सईद गनी का नेचुरली पावरफुल शैम्पू, जो कि प्योर आमला वाला है और ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसको मैंने ऑर्डर किया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3-4 महीने पहले, तब से मैं इसको यूज़ कर रही थी, 2-3 महीने तक यूज़ किया है मैंने। अच्छा, सो इसको यूज़ करने से देखें, शैम्पू का मेन पर्पज़ होता है आपके हेड को क्लीन करना, आपके बालों को साफ़ करना, सो वो बहुत अच्छे से करता है। बाकी इसके अलावा मैंने कुछ खास डिफरेंस नोट नहीं किया, मतलब हेयर फॉल में कुछ खास फ़र्क नहीं था, ना ही ऐसा था कि अच्छा मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं या कुछ, बस जो शैम्पू का एक नॉर्मल काम होता है बालों क्लीन करने का। और इनफैक्ट हाँ, इसको एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैं इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मार्केट में जो शैम्पू मिलता है नॉर्मल, वो भी यही काम कर रहे होते हैं, पर वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा चीपर ऑप्शन पे है। सो आई थिंक अगर आपको कोई हेयर इशू नहीं है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बाकी हाँ, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट यानी कि SLS मौजूद है, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जितने मोस्टली शैम्पू मिलते हैं सब में ये SLS भी होता है, बाकी इसके अलावा पैराबिन्स वगैरह भी होता है। अच्छा जी, सो इसको मैं रेटिंग दूंगी 9 out of 10 क्योंकि शैम्पू वाला काम परफेक्टली करता है ये, इसके अलावा कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप इससे। चलें जी, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पर, जो कि है सईद गनी का वाइटनिंग बॉडी लोशन, जो कि है शिया बटर वाला। एक्सट्रीमली रीज़नेबल, जब मैंने लिया था मेरे ख्याल से 130 rupees का था ये, और इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है ना ये, इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है कि ये आराम से निविया को बीट कर सकता है, वेजलिन को बीट कर सकता है, डव को बीट कर सकता है। स्टिल बहुत अंडररेटेड है इसको, एक तो हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, आई थिंक प्रमोट करना चाहिए इसको क्योंकि बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है बॉडी के लिए, फेस के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी मैं, सिर्फ बॉडी के लिए ये। और आई थिंक मैंने किस वीडियो में बताया था कि मेरी मम्मा के पैर पर जो मतलब एडीज होती है उस पर काफ़ी डेड स्किन हो गई थी, तो एक दिन रात में अच्छा खासा लगाया और सॉक्स पहन के सो गई थी वो, और सुबह उठी तो स्किन बिल्कुल सॉफ्ट पड़ गई थी, इतनी कि आराम से उसको स्क्रब कर सकते थे और बिल्कुल पैर क्लीन हो गए थे नीचे से। सो काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है बॉडी को ये, मेरी तरफ से 10 out of 10 रेटिंग है, 110% रिकमेंडेड है, बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा, इसमें वाइटनिंग का लिखा हुआ है, वाइटनिंग का ऐसा इसमें कोई सीन नहीं है, जस्ट मॉइस्चराइज करता है। ओके जी, सो नेक्स्ट अप वी हैव सईद गनी का हनी एंड आलमंड लोशन विद रोज़ एक्सट्रैक्ट। अच्छा, सो आई गॉट दिस वन प्रिटी रिसेंटली, आप इसकी क्वांटिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, दिख रहा होगा यहाँ से, मैंने बहुत थोड़ा यूज़ किया है ये। एक्चुअली बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये बॉडी के लिए, नॉट फॉर फेस, आई डेफिनेटली अग्री, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है स्किन को, मतलब बिल्कुल स्किन फटती नहीं है, सर्दी में भी काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन आई जस्ट कांट टॉलरेट इट्स फ्रेगरेंस, यानी इस कदर कोई मीठी खुशबू है ना कि सर में दर्द होने लग जाता है।
इसको लगा के ऐसा लगता है कि आपने वनीला आइसक्रीम लगा ली है बहुत सारी। आई स्टिल से कि मॉइस्चराइज अच्छे से करता है, एक बेहतरीन बॉडी लोशन है, लेकिन बस इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, सर में दर्द होने लग जाता था। आई वुड स्टिल से मॉइस्चराइज करता है अच्छे से, लेकिन बस इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से सारा काम ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की स्वीट फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, यू कैन टॉलरेट इट, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी मॉइस्चराइज़र अच्छा है। वरना अगर खुशबू आपको नहीं पसंद इस तरह की तेज़ या वैसे ही नहीं पसंद, तो सोची कभी मत इस बारे में। अच्छा, इसको रेटिंग में दूंगी 6 out of 10। 6 इसलिए कि मॉइस्चराइज तो कर रहा है, बाकी 4 में बस इसकी खुशबू की वजह से माइनस कर रही हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रोडक्ट, विच इज़ सईद गनी का फेस एंड बॉडी एप्रिकॉट स्क्रब। अच्छा, इसका टेक्सचर काफ़ी लिक्विड कंसिस्टेंसी में, मतलब थोड़ा क्रीमी साइड पे आता है, तो इट्स इवन ईजियर टू अप्लाई, यानी कि स्क्रब अच्छे से कर पाते हैं आप। लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं मुझे थोड़े से हार्श लगते हैं, थोड़े से, नॉट अलॉट। बॉडी के लिए अमेजिंग है, फेस के लिए स्पेशली जो टीनेजर्स हैं जिनकी सेंसिटिव स्किन है, तो शायद उनको थोड़ा सा हार्ड फील हो। बाकी अबव 18 वाले इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ गुड स्क्रब आई थिंक, क्योंकि इसको यूज़ करने से स्किन से डेड स्किन आराम से हट जाती है, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, ग्लो करती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बस पार्टिकल्स में थोड़े से हार्श लगें, तो टीनेजर्स को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी ये। आप बॉडी पे हैं इसको यूज़ कर सकते हैं टीनेजर्स, बाकी एडल्ट भी इसको कर सकते हैं बॉडी पे, काफ़ी अच्छा बॉडी स्क्रब रहेगा ये, लेकिन फेस के लिए सिर्फ एडल्ट्स यूज़ करेंगे। अच्छा, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट, सो बस 2 से 3 मिनट के लिए अपनी फेस पे मसाज कीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी स्किन फिर रेड होना स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट ये फिर कोई और भी स्क्रब हो तो उसको 3-4 मिनट ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसको मैं रेटिंग दूंगी 7 out of 10। यस, हाँ जी, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई एम रिव्यूइंग इज़ सईद गनी का ये वाला चारकोल मास्क, और स्पेशली इस पर लिखा हुआ है कि ये ब्लैक हेड को कंट्रोल करता है और पोर्स को अनक्लॉग करता है, और बाद में इनको क्लीन करके उनको अच्छे से बंद कर देता है। तो इसको मैंने यूज़ किया है, 1 से 2 बार ही किया है। इसको यूज़ किया था मैंने फेस पे, नेक पे, और थोड़ा सा हैंड पे भी लगाया था मैंने। अच्छा, जस्ट इन केस मैं आपको बता दूं, मैं जो मार्केट बाउट फेस मास्क होते हैं वो बहुत ही कम लगाती हूँ, मैंने लाइफ में शायद 1 या 2 बार ही लगाया होगा। मोस्टली मैं DIY करती हूँ, चावल के आटे से, ओट मील से, बेसन से, तो वो ऑर्गेनिक लगा रही होती हूँ मैं, बाहर के खरीदे हुए मास्क में फेस पे नहीं लगाती। सो इसको यूज़ करने से मुझे लिटरली कोई फ़र्क नहीं दिखा, सिवाय इसके कि स्किन थोड़ी क्लीन लग रही थी, शायद इसमें लिखा है जैसे अनक्लॉग करता है पोर्स को, मे बी इसलिए। अच्छा, बाकी फेस पे कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, हल्की सी इचिंग हुई थी स्टार्ट में, लेकिन नेक मेरी रेड हो गई थी पूरी, मतलब मुझे तो लगा शायद कोई एलर्जी वगैरह हो गई है, लेकिन जब मैंने फेस से हटाया तो फेस पे कुछ भी इस तरह से रेड वेड नहीं हुआ था, बस नेक पे ही हुआ था। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है, मैंने कहा आपको बता दूं मैं। अच्छा, इसके अलावा फेस पे मुझे उसके रिजल्ट्स दिखे वो ये था कि फेस बहुत क्लीन फील हो रहा था, मतलब शायद इसलिए कि ज़ाहिर है उसको पोर्स को अनक्लॉग करता है इस पर लिखा हुआ था, शायद इसलिए। लेकिन अदर देन दैट मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा, मतलब एज इन कोई ग्लो नहीं दिखा, कोई कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं दिखा, जस्ट ये कि फेस क्लीन फील हो रहा था। मुझे ऐसा लगा वो तो यार क्लेंजर से भी हो जाता है, तो क्या इसमें ऐसा खास है। तो इसको मैं रेटिंग दूंगी 6 out of 10। चलिए जी, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जो कि है ये सईद गनी का फेस एंड बॉडी रोज़ जेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको ख़रीद तो लिया था, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये किस चीज़ के लिए है, यानी फॉर रियल मुझे इसका पर्पज़ ही नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने खैर थोड़ा दिमाग लगाया तो मुझे आइडिया हुआ कि जैसे एलोवेरा जेल होता है तो शायद ये वैसे ही काम करेगा फेस को सूद वगैरह करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए। खैर जब मैंने इसका ढक्कन खोला तो इतनी तेज़ इसकी फ्रेग्रेंस थी ना, सर पर चढ़ने लगी वो मेरे वैसे ही, मतलब बहुत फेक सी रोज़ वाली है, नेचुरल रोज़ की बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल रोज़ की मुझे अंदाज़ा है कैसी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा था आर्टिफिशियल इसमें फ्रेग्रेंस डाली हुई है फूल की, सॉरी रोज़ की, तो मुझे वो थोड़ा सर में दर्द होने लग गया उससे ही अगेन। अच्छा, इसके अलावा जब मैंने फेस पर लगाया तो लिटरली किसी काम का नहीं था यह, मतलब बस मुझे ऐसा लग रहा था कुछ लिक्विडी सी स्लाइमी से मैंने कुछ लगा लिया है, ना मेरी स्किन मॉइस्चराइज हुई, ना स्किन सूद हुई, ना मुझे कुछ काम समझ आया। तो मुझे इसका लिटरली अभी तक पर्पज़ नहीं समझ आ रहा है, अगर आप में से किसी को आइडिया है तो आप बता देना, मैं शायद इसको गलत यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसको 2-3 डिफरेंट तरीके से यूज़ करके देखा, स्टिल नथिंग, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा, इससे अलावा एक अजीब सी बात है, इसके साथ मैं बता दी हूँ आपको। तो हुआ ये था कि इसका जार ओपन करते हुए ना अबाय भी गिर गया था थोड़ा सा ही है, एंड इट्स बीन अराउंड 5 to 6 months और ये अभी तक उस अबाय से हटा नहीं है। वॉश कर चुके हैं, ब्लीच कर चुके हैं, गर्म पानी से वॉश कर चुके हैं, डाई वाले को कहा, डाई वाला कह रहा है डाई भी नहीं होगा, ये जेल इतना स्ट्रॉन्ग है। तो आई वॉज टू शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कपड़े से ये हटके ही नहीं दे रहा है, हर तरह से वॉश करने की कोशिश कर ली है, तो मतलब फेस पे क्या ही करेगा। खैर जो बात है, उसके बाद मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगी। लिटरली आई वुड गिव इट अ सॉलिड 0 out of 10, मतलब किसी काम का नहीं लगा है मुझे ये। ओके जी, सो नेक्स्ट अप वी हैव सईद गनी की फूट एंड हैंड क्रीम। इसकी मैंने 2-3 रिव्यूज़ देखे थे, मतलब एक थोड़ा वेल नोन प्रोडक्ट है ये थोड़ा सईद गनी का। अच्छा, सो इस क्रीम का, अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गई, ये जो सारे जार वाली क्वांटिटीज़ है ना, मुझे जब ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया मुझे लग रहा था बहुत छोटे छोटे
छोटे जार होंगे ये, बट आई वॉज टू सरप्राइज टू सी द क्वान्टिटी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े जार्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि हाफ फिल किए हुए या क्वार्टर फिल किए हुए, पूरा ऊपर लिड तक फिल होता है ये, तो क्वान्टिटी के मामले में तो बेस्ट है, प्लस प्राइस भी कम है। अच्छा खैर, सो कमिंग बैक टू द रिव्यू, सो ये फूट एंड हैंड क्रीम जो है, इसका मैंने कहीं रिव्यू देखा था, उन्होंने काफ़ी नेगेटिव बताया हुआ था इसको, तो मैं भी थोड़ा घबरा रही थी इसको बाय करते हुए कि पता नहीं क्या चीज़ होगी। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल बेकार है, कोई रिजल्ट्स नहीं आते, कोई वाइटनिंग नहीं करता। खैर जब मुझे इसका पार्सल रिसीव हुआ, मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ी, तो उसमें कहीं लिखा हुआ भी नहीं था कि ये वाइटनिंग करता है। इट जस्ट सेज के इसके अंदर ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि पपाया है, इसमें कोकोनट है, तो इस टाइप की चीज़ें, बाकी ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है। हैंड एंड फीट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, क्यूटिकल्स के लिए बहुत अच्छी है वुड से, और आप बहुत थोड़ी सी लोगे ना अपने फिंगर पे, मतलब एक पी साइज़ की क्वांटिटी लोगे ना, आपके दोनों हाथों पर अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होगी आपको। और अभी तक मैंने इसको जितना यूज़ किया है मुझे अच्छा लगा है, काफ़ी अच्छे से स्किन सॉफ्ट हो जाती है, बहुत मतलब बेबी सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है। अच्छा इसके अलावा जब मुझे रिसीव हुई थी तो मैंने स्टोरी पे दिखाया था ये, तो मुझे किसी का रिप्लाई आया था कि ये अच्छी है, फिर मैंने थोड़ी और उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है, तो अच्छी हैंड एंड फीट क्रीम साबित हुई है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आपके हाथ पंप बहुत ड्राई रहते हैं, बहुत फ्लेकी रहते हैं, या अगर एज की वजह से आपकी हैंड्स फीट पर रिंकल्स आ गए हैं, जैसे कि नकल्स पे आ जाते हैं काफ़ी, तो अपने हाथों को यंगर लुक देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत स्लो रिजल्ट है आई वुड से, लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट दिखेगा, लेकिन स्टिल बजट के हिसाब से बहुत अच्छी हैंड एंड फीट क्रीम है। हाँ बस थोड़ी सी ग्रीसी फील होती है स्किन पे थोड़ी देर के लिए, फिर जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो उतना फील नहीं होता है। अच्छा खैर, मैं इसको रेटिंग दूंगी 9 out of 10। चलिए जी अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, विच इज़ दिस गोट मिल्क फेस क्लेंजर, एंड ओ माई गॉड वॉट आ क्लेंजर। ये बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं एंड मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा है। अच्छा सबसे पहले जब मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई किया था ना, मुझे बस एक ही फीलिंग आई थी कि कितना ग्रीसी और कितना टैकी फील हो रहा है स्किन पे, मतलब अजीब सा फील हो रहा था, जैसे स्किन पे कोई भारी सी चीज़ रख दी है, कुछ ऑयल लगा दिया है। लेकिन फिर जब मैंने इसको यूज़ सही से किया और मैंने इसके सही से रिजल्ट्स देखे तो मैं शॉक थी खुद भी, मतलब स्किन पे जो हल्के हल्के ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो तक रिमूव हो गए थे, स्किन सुपर क्लीन सुपर फ्रेश फील कर रही थी। अच्छा इसको यूज़ करने का परफेक्ट मेथड ये है कि अपने फेस पे आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब अच्छी खासी जेनरस अमाउंट लो, अपने फेस पे अप्लाई करके कम से 5 से 8 मिनट के लिए मसाज करो सही से, जो मसाज पॉइंट्स होते हैं या जो भी उसके स्ट्रोक्स होने चाहिए उस तरीके से आप जब मसाज कर लो, उसके बाद कम से कम 1.5 से 1 मिनट के लिए फेस पे छोड़ दो इसको लगा हुआ, फिर गीले स्पंज से अच्छे से फेस से वाइप करो। जब वो वाइप करोगे ना अपने स्पंज पे, बस आप एक लुक डालना, सच्ची बता रही हूँ, सारा डर्ट आपको वहीं नज़र आएगा। अच्छा कुछ लोगों को क्वेश्चन भी होता है कि ये जो क्लेंजर होता है बाम टाइप वाला या बहुत क्रीम कंसिस्टेंसी वाला, ये आप डेली फेस वॉश की जगह यूज़ करते हैं या नहीं? तो फेस वॉश अलग चीज़ होती है, वो आप डेली सुबह शाम यूज़ कर रहे होते हो, लेकिन इसको वीक में एक बार यूज़ करना इनफ होता है, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी इसको यूज़ करने से आपको इंस्टेंटली अपनी स्किन बहुत क्लियर और क्लीन फील होगी, तो डर्ट वगैरह को रिमूव करता है। हाँ ये तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, रेटिंग इज़ 10 out of 10। चलिए जी अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। अच्छा जी, सो ये है जी सईद गनी का नीम सोप, मैंने पुराने किसी वीडियो में दिखाया था और वहाँ शायद मैंने बोला था कि आप इसको फेस से भी यूज़ कर सकते हैं, सो आई टेक माय वर्ड्स बैक, फेस के लिए नहीं है ये, क्योंकि स्किन का पीएच लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये। आई डोंट थिंक कि ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, तो आप इसको बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके बैक पे एक्नी हो जाती है, बॉडी पे एक्नी होती है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नीम जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, तो आपकी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। बाकी इसको रेटिंग में दूंगी एज अ बॉडी बार, यानी कि बॉडी सोप, 10 out of 10, क्योंकि अच्छे से क्लीन करता है, कोई उसमें शक नहीं है, बस फेस पे इसको यूज़ नहीं कीजिएगा। हाँ जी, सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस सईद गनी का खास संदल उबटन, एंड आई थिंक यू ऑल मस्ट नो अबाउट इट, क्योंकि जो शादियों के इवेंट वगैरह होते हैं, माइयों मेहंदी जो होती है उसमें अक्सर यही सईद गनी का उबटन आ रहा होता है, तो आप सबने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा, यूज़ किया होगा, तो काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। अच्छा सो जितना मुझे आइडिया है, इसको आप चंबेली के तेल में या फिर रोज़ वाटर में मिक्स करके लगाते हैं, और एज अ फेस पैक नहीं लगाते लोग, इससे स्क्रब करते हैं बॉडी को, बाकी पूरे फेस वगैरह को, तो वैसे आप इसको स्क्रब करके भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी स्किन से टैन रिमूव होगा, दैट इज़ माई गारंटी, आपको कॉम्प्लेक्शन ब्राइटर फील होगा। इसके अलावा मैंने इसको एज अ मास्क भी यूज़ किया था, तो सेम रिजल्ट्स थे, बट मुझे मास्क से ज़्यादा इसको उबटन की तरह, यानी कि स्क्रब की तरह यूज़ करना ज़्यादा बेहतर लगा। सो रेटिंग इज़ 10 out of 10, अच्छा है, बेहतरीन है बल्कि, और संदल तो बहुत अमेजिंग है स्किन के लिए। अच्छा जी, सो इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये सईद गनी का मुल्तानी मड प्लस लेवेंडर पाउडर। इसको मैंने बहुत पहले लिया था जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती थी, मतलब फेस मेरा ऐसा लगता तेल का कुआं है, तो उस टाइम पे मैंने इसको लिया था। इसको सिंपली मैं रोज़ वाटर में मिक्स करके फेस पैक की तरह लगाती थी, तो उस टाइम काफ़ी अच्छा था मेरे लिए, मेरी स्किन से सारा ऑयल वगैरह इसने कैच कर लिया था, स्किन काफ़ी क्लीन और हेल्दी फील होती थी। मुल्तानी मट्टी ही है
है ये, अगर आप इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ आप देख सकते हैं बिल्कुल मुल्तानी मट्टी ही लगती है, बस इसमें थोड़ा सा शायद लेवेंडर पाउडर भी होगा। तो लेवेंडर स्किन को सूद कर देता है और बाकी जो मुल्तानी मड है, मुल्तानी मट्टी है, वो स्किन से सारा एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव कर देती है और स्किन को टाइटन अप कर देती है। ड्राई स्किन के लिए इट्स अ बिग नो नो, बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। हाँ, ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन स्किन वाले सिर्फ टी जोन एरिया में इसको लगा सकते हैं, बाकी सी जोन में नहीं। सो नो डाउट ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा फेस मास्क साबित होगा ये, लेकिन ड्राई स्किन के लिए नहीं है। तो उसको रेटिंग में दूंगी 7 out of 10, क्योंकि जाहिर है सारी स्किन टाइप के लिए नहीं है। अच्छा, सो ये एक लास्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ सईद गनी का। एक्चुअली वीडियो बनाते वक्त ये मुझे दिखा नहीं था, ये वॉशरूम में रखा हुआ था तो इसलिए मिस आउट हो गया। पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है सईद गनी का संदल फेस वॉश और लिखा हुआ है इसमें कि ये सारे स्किन टाइप के लिए है और इसमें लिखा है कि जी ये एक्सेस ऑयल कंट्रोल करता है और स्किन को नरिश करता है। आप ये पिक्चर में इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है इसका कलर, बाकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी है। इसको अप्लाई करने से थोड़ा ज़्यादा स्लाइमी फील होता है और इतनी जल्दी फेस से हटता भी नहीं है, मतलब पानी से अगर आप साफ़ करोगे तो इतनी जल्दी नहीं हटता, थोड़ी सी फिल्म रह जाती है। बस मुझे यही चीज़ बुरी लगती है फेस वॉश की, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली थोड़ी सी है तो जिनकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना, उनको बहुत बुरा लगता है जब उनकी स्किन पर फेस वॉश की वजह से कोई फिल्म रह जाती है और साफ़ ही नहीं होकर देती है वो। पता नहीं, शायद आप में से किसी को नहीं होता होगा इशू, लेकिन मैं थोड़ी सी बॉदर होती हूँ। तो अगर आपको उससे इशू नहीं है तो अदरवाइज इट्स अ गुड फेस वॉश। और बेस्ट चीज़ है कि इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह में कोई ऐसा खास हार्श केमिकल भी मौजूद नहीं है, मोस्टली सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, जैसे ग्लिसरीन है, संदलवुड है, विटामिन B5 है, विटामिन ई है और थोड़े बहुत एसेंशियल ऑयल्स हैं। तो इट्स अ गुड फेस वॉश, इवन टीनेजर्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, स्किन पर काफ़ी अच्छा रहेगा, स्किन क्लीन भी कर देगा, प्लस आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी। अच्छा, सो ये तो हो गए सारे प्रोडक्ट्स। अब मैं अगर आपको लास्ट में सईद गनी को एज अ ब्रांड सम अप करके बताऊँ कि ये कैसा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड, तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। अच्छा, सेकंड चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है इस ब्रांड की, वो है प्राइस। मतलब इतने इकोनॉमिकल बजट में आपको मिल जाती हैं चीज़ें, हर कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है। मैंने जो आपको प्रोडक्ट के रिव्यू दिए ना, वो मैंने एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर की नज़र से दिए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो मैं हर प्रोडक्ट को एक स्केल पर रख के रिव्यू करती हूँ। मतलब कि वो बस एक प्रोडक्ट है, रिगार्डलेस के वो पाकिस्तान का है, रिगार्डलेस के उसके प्राइस क्या हैं, यानी मैं बस एक प्रोडक्ट को एज अ प्रोडक्ट ही जज करती हूँ। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये इतने कम प्राइस में मिल रहा है, मेरे ख्याल से अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जो नहीं है बिल्कुल अच्छे, मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ बता दिए हैं, लेकिन मोस्टली अच्छे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और कन्फ्यूजन होती है लोगों को, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक ब्रांड है एंड इट इज़ नॉट। ये कह सकते हैं कि मेजर इंग्रेडिएंट्स इनके ऑर्गेनिक होते हैं, तो शायद 80% ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, लेकिन बाकी प्रिजर्वेटिव और थोड़े बहुत केमिकल्स भी ऐड होते हैं। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि माइल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप, क्योंकि रोज़े में इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, थोड़ी सी हिम्मत हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने सईद गनी कोई प्रोडक्ट यूज़ किया हो तो अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट्स में, हम सबकी हेल्प हो जाएगी उससे। अल्लाह हाफिज़ अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।